सुप्रभात, मैं केके शर्मा। देखिए, कल मैंने आपसे बात की थी कोड ऑफ कंडक्ट की, किस प्रकार से खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ को, होस्ट एसोसिएशन को, मैच रेफरी, एम्पायर्स को, इनको जो है वो कंडक्ट्स में रहना, कैसे कंडक्ट्स इनके होने चाहिए, उसका कोड क्या है। तो वो मैंने आपसे कल चर्चा की थी और उसके अंदर एक जिक्र आया था लोगो पॉलिसी, बीसीसीआई की लोगो पॉलिसी एक्चुअली है क्या। देखिए, मैं आपको बता, जो टी शर्ट है उसके ऊपर जो लोगो लगता है वो 6 इंच से जो स्क्वायर इंच है उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसी प्रकार से स्वेटर के ऊपर आप 6 स्क्वायर इंच का लोगो लगा सकते हैं। अब बात आती है ट्राउज़र की, ट्राउज़र के ऊपर आप जो है वो 2 स्क्वायर इंच का आप लोगो लगा सकते हैं। अब बात मैं करता हूँ आपसे शूज़ की, बात करता हूँ शू के ऊपर आप 2 लोगो लगा सकते हैं, और उसके ऊपर साइज़ की ऐसी कोई वो नहीं है, बट भद्दा नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार की बीसीसीआई की गाइडलाइन है। जो सॉक्स है आपकी उसके ऊपर आप 2 लोगो लगा सकते हैं। जो बैटिंग पैड है आपके जो लेग गार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर आप 3 लोगो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से बैटिंग ग्लव्स में भी आप जो है वो 3 लोगो लगा सकते हैं। विकेट कीपर जो होता है वो भी 3 जो है वो कॉमर्शियल लोगो अपने लगा सकता है। थाई पैड है, शिन पैड है, और इनके ऊपर आप कोई भी किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल लोगो नहीं लगा सकते। सनग्लास के ऊपर आप सिर्फ 1 लोगो लगा सकते हैं। आर्म गार्ड जो आप पहनते हैं उसके ऊपर आपका कोई लोगो नहीं होना चाहिए। हेलमेट के ऊपर जो लोगो है वो आप लगा सकते हैं। सन जो आपकी हैट है उसके ऊपर आप लोगो लगा सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा परमिट नहीं है। टर्बन जो पगड़ी होती है उसके ऊपर लोगो बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का उसके ऊपर लोगो नहीं लगा। देखिए, बैट एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर जो है कमर्शियल लोगोस आप देखते होंगे, काफ़ी लोगो जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई की जो लोगो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना अत्यंत आवश्यक है। बैट का जो फेस होता है, जो बैट फेस जिसको हम बोलते हैं, आगे की तरफ का, जहाँ पर बॉल हिट करते हैं उसको बैट फेस कहा जाता है, जिस एरिया से, तो वो जिस फेस से, तो वहाँ पर आप 9 इंच से ज़्यादा वो उसका बैट का फेस जो है वो उसको यूज़ नहीं सकते। आप कितने भी उसमें 9 इंचेस के अंदर जो है वो कितने भी आप कमर्शियल लोगो लगा सकते हैं। आप बैट के बैक की बात आती है, जो बैट का जो बैक है, बैक में आप जो है वो कितने भी आप कमर्शियल लोगो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी 9 इंच से ज़्यादा आप 50% से ज़्यादा आप लोगो नहीं लगा सकते। तो ये बीसीसीआई की लोगो पॉलिसी है, और इसको सभी क्रिकेटर्स को जानना, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कोई आप इल्लीगल लोगो ना लगाएं कभी भी, आप इवन आप लोकल मैच में खेलने के लिए भी जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा लोगो ना लगाएं जो शराब की ऐड करता हो, जो गुटखे की ऐड करता हो, या जो तंबाकू की ऐड करता हो, या कोई भी ऐसी ऐड जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचता हो। आप क्रिकेटर्स हैं, आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरी शुभकामनाएं, मैं बहुत जल्दी पुनः आपके बीच में अन्य जानकारी लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ।